तो हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जेप्टो वॉलेट में 75 रुपये आपके पास होंगे लेकिन आप उसे यूज नहीं कर पा रहे होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जेप्टो वॉलेट के जो 75 रुपये आपको मिले हैं उसे सामान खरीदते टाइम उसे यूज कर पाओगे। इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है उसे मैं आपके सामने स्टार्ट करूँगा। तो जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है वो स्टार्ट हो चुकी है, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर जो जेप्टो ऐप है उसे ओपन करेंगे। अगर अभी तक आपने जेप्टो ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। जेप्टो ऐप को मैंने यहाँ पे ओपन किया, इस तरीके से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लोकेशन मांग रहा है तो मैं यहाँ पर लोकेशन मुंबई का डाल के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ अभी उस एरिया में जेप्टो अवेलेबल है नहीं। यहाँ मैंने मुंबई लोकेशन डाला है, कन्फर्म वाले एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया है और ये वाला ऑप्शन को मैं यहाँ पर देखिए स्किप कर दूँगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले मैं अपने वॉलेट का पैसा दिखाऊंगा, ऊपर कोने में क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए मेरे जेप्टो वॉलेट में कितना है, 50 रुपये बैलेंस है। कभी कभी ये 75 रुपये भी रहते हैं, कभी कभी 50 रुपये भी रहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। तो आप अगर आपके वॉलेट में यहाँ पर 75 रुपये हैं या 50 रुपये हैं, उसको यूज़ करने का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले बैक आ जाता हूँ। अब देखिए जैसे कि मैं ये मिल्क है, मैं इसको बाय करूँगा, तो मिल्क वाले ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, इसको मैं ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद व्यू कार्ड का नीचे ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सेव मोर विथ पास, आपको जेप्टो का पास अगर लेंगे तो ये जो दूध है आपको 56 रुपये का पड़ेगा। अगर आप इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये जो मिल्क का प्राइस है वो हाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे रिमूव कर दिया हूँ। तो देखिए हम नीचे आ जाते हैं इस तरीके से स्क्रॉल करके। यहाँ पर आप देखिए टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, 86 रुपये। इस तरीके से अगर आप जेप्टो का पास ले लेते हो तो आपको यहाँ पर कम पे करना पड़ेगा, जेप्टो का पास 1 रुपये में आ गया, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। इस तरीके से आप नीचे आइएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको 87 रुपये में ये दूध पड़ेगा। अब यहाँ पर जेप्टो वॉलेट का भी यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है पे का, देखिए यहाँ पर पे फ्रॉम जेप्टो वॉलेट यहाँ पर लिखा होगा। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ आपको इसके ऊपर क्लिक करके दिखाऊंगा कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या लग रहा है। आइटम का जो प्राइस है वो 56 रुपये है दूध का। यहाँ पर हैंडलिंग चार्ज आपको 5 रुपये 49 पैसे देना पड़ रहा है। यहाँ पर 25 रुपये आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ रहा है और यहाँ पर जेप्टो पास मेंबरशिप का 1 रुपये लग रहा है। ठीक है, टोटल मिला के 87.49 पैसा यहाँ पर लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर जेप्टो वॉलेट का पैसा यूज करूँ, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा इस तरीके से, तो अब यहाँ पर देखिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 37.49 पैसे। यहाँ पर जेप्टो वॉलेट का जो 50 रुपये था वो यहाँ पर यूज हो चुका है। अब सिंपल तरीका ऐड एड्रेस टू प्रोसीड, जैसे मैं यहाँ पर ऐड एड्रेस वाले बटन पर क्लिक करके अपने एरिया का एड्रेस डालूंगा और पे करूँगा, टोटल मुझे पे इतना ही करना पड़ेगा, 37.49 पैसे, क्योंकि मेरा जेप्टो वॉलेट में से 50 रुपये यहाँ पर पे हुआ। अब मैं अब बात करता हूँ कि काफ़ी लोगों का यहाँ पर पे का ऑप्शन नहीं आता होगा, पे जेप्टो वॉलेट का ऑप्शन ही नहीं आता होगा, तो वो किस रीज़न से आता है वो मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया में सर्विस नहीं है जेप्टो की, तो वहाँ पे आपको देखने को ये फीचर नहीं मिलेगा, जेप्टो वॉलेट पे का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर मुंबई सेलेक्ट किया हूँ, हो सकता है कि आपने मुंबई भी सिलेक्ट किया हो, लेकिन मुंबई में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऑर्डर अगर आप करते हो तो वहाँ पर जेप्टो वॉलेट का ऑप्शन काम नहीं करता है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक मोबाइल नंबर से लॉगिन किया था। लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने ऐड एड्रेस टू प्रोसीड ऑर्डर पर क्लिक किया तो वहाँ पर जेप्टो वॉलेट का जो ऑप्शन था वो नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर फिर से उसे डिलीट करके दूसरे नंबर से जेप्टो वॉलेट में अकाउंट बनाया, तब जाके ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक जेप्टो वॉलेट का ऑप्शन दिखा देता हूँ किस किस एरिया में अवेलेबल है। अगर आप उस एरिया में भी हो, यहाँ देखिए जेप्टो वॉलेट का ऑप्शन खुल के आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए अवेलेबल कम यहाँ पर लिखा होगा, अवेलेबल ओनली नासिक पुणे मुंबई अहमदाबाद। ये जो जेप्टो वॉलेट का फीचर्स है ना, नासिक पुणे मुंबई अहमदाबाद तक अवेलेबल है। मुंबई पुणे में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये ऑप्शन काम नहीं करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए जेप्टो कैश यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अभी मैंने मुंबई का एड्रेस डाला है तो मुंबई में काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर का एड्रेस डालूंगा ना तो वहाँ पर ये फीचर यहाँ से हट जाएगा। जो वॉलेट का ऑप्शन है जिसमें 50 रुपये पे किया जाता है वो ऑप्शन काम नहीं करेगा वहाँ पर। तो आपको घबराना नहीं है, अगर काम नहीं कर रहा है तो एक नए मोबाइल नंबर से फिर से जेप्टो अकाउंट बनाइएगा, वहाँ पर ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप जेप्टो वॉलेट के जरिए पेमेंट
पेमेंट कर पाओगे। एक ही बार ऑप्शन दिखेगा, एक ही बार पे करके तुरंत यहाँ पर ऑर्डर को प्लेस कर लीजिएगा। अगर फिर से बैक आके फिर से ऑर्डर करोगे तो शायद यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो मिलता हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।